हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि मैं आपको हिस्ट्री की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन इस विषय पे वीडियो दिया है, विस्तृत वीडियो है, जाके देखिएगा, अच्छी वीडियो है। और उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आइए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, वैदिक सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद अब हम आते हैं वैदिक सभ्यता पे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता क्या थी, ये कब आई और इसमें होता क्या था, किस तरह की संस्कृति थी, ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सैंडल सभ्यता के बाद जिस सभ्यता ने जन्म लिया उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कहा यह भी जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही समाप्त करके आर्यन ने अपनी वैदिक सभ्यता बनाई, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं है, तो यह कल्पना मात्र है। यह भी कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, यह भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर भी ऐसी ही बनावटें, ऐसे ही लिपियां, शिलालेख, ये सब चीजें मिले। लेकिन हो सकता है कि भारत का विस्तार उस समय मध्य एशिया तक हो। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और। आप देख सकते हैं सैंडल सभ्यता के बाद जिस सभ्यता ने जन्म लिया उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। वेद बहुत फेमस, आप जानते हैं, वेद जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। हमारे हिंदू धर्म के ये ग्रंथ हैं। तो आपको पता है वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आपको पता है। तो वेदों का अर्थ क्या है, ज्ञान है। और इसी वेद शब्द से वैदिक शब्द बना है, इसी वेद शब्द से वैदिक शब्द बना है। यहां देखिए, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जिसका अर्थ होता था कुलीन, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट, ये इसका अर्थ होता था। सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था, और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन था आर्यन सिविलाइजेशन का या वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसमें हमने ये जाना कि सिंधु सभ्यता के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी, ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नष्ट करके इन्होंने अपना पैर जमाया, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, लेकिन हो सकता है भारत का विस्तार तब तक मध्य एशिया तक हो, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, तो वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना हुई। वेद हिंदू धर्म ग्रंथ के, आप ये कह सकते हैं, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ भी हैं। तो वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वहीं से क्या बोलते हैं, इस वैदिक सभ्यता का नाम पड़ गया। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, ये होता है। और सबसे पहले मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। इनकी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल क्या था, उत्तर ऋग्वैदिक काल क्या था। आइए अगले वीडियो। ओके, तो अब हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल के बारे में, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। देखिए, इसके काल को लेके, समय को लेके बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ही ज्यादा मतभेद रहे हैं इसके काल और समय को लेके, ठीक है, बहुत विवाद रहा है। तो कोई चीज लिखा है कि इस काल की तिथि का निर्धारण विवादास्पद रहा है। कई लोग कहते हैं कि बहुत पहले की सभ्यता है, बहुत प्राचीन सभ्यता है, ये तो बहुत बात की आप बता रहे हैं, और भी ज्यादा प्राचीन सभ्यता है।
ठीक है। इस काल की तिथि का निर्धारण विवादास्पद रहा है। ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई थी, जो थी इस काल की एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जिससे हम इस काल के लोगों के बारे में जान सकते। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव की सभ्यता थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये गांव की सभ्यता थी। ओके, आर्यों का आरंभिक जीवन किस पे डिपेंड था? वो पशु चराते थे और कृषि उनके लिए मेन काम नहीं था। कृषि उनके लिए बाद में आता था, गौण कारक था, मतलब बाद में आता था। आरंभिक उनका जो जीवन था वो पशु चारण पे आधारित था। एक जगह ही बसते थे, कभी यहाँ पे खाना बदोश जीवन बिताते थे। याद रखिए 1400 ईसा पूर्व के बोगचशोई, ये ईरान के पास एक जगह बोगचशोई, एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं का वर्णन। 1400 ईसा पूर्व के बोगचशोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवता जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, नास्य हो गए, इनका उल्लेख मिलता है। तो इससे ये माना जाता है कि ये ईरान से होके भारत आए थे। जैसे मैंने भी कहा कि मध्य एशिया से माना जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, तो ऐसा ये माना जाता है कि ईरान से होके ये भारत आए थे। ओके, अच्छा, ओके। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीन ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है, जो ईरानी भाषा में एक प्राचीन ग्रंथ है, जेंड अवेस्ता बोलते हैं उसको, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता है, उससे मिलती है ऋग्वेद की बातें। आर्यों के मूल निवासियों के संबंध में अलग अलग विचार है। तमाम विद्वानों ने अपनी अपनी थियोरी पेश की है कि आर्य कहां से आए, ठीक है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी वीडियो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो इससे पहले देख सकते हैं, साथ ही साथ ऋग्वेदिक काल के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार क्या था, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनका क्या योगदान था समाज में, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।